ये धार्मिक आस्था का विषय है और ये धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। भारत का संविधान, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता सभी धर्मों को मानने वाले लोगों की आस्था का सम्मान करने का संदेश देती है। लेकिन मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर सनातन धर्म, मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर डेमोक्रेसी, जो तिरुपति बालाजी का ये जो पूरा प्रकरण है, ये तो घोर पाप है। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कोई हिंदू नहीं कर सकता। यदि सरकार किसी हिंदू की होती तो नहीं कर सकता। हम तो मानते थे कि जगन रेड्डी हिंदू हैं, हमें तो अब सूचनाएं मिल रही हैं कि वो हिंदू नहीं है। और अब इसका प्रायश्चित कैसे हो, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। क्योंकि ऐसे समाचार आने के बाद बिल्कुल कांपने वाली हृदय विदारक घटना है। जिन लोगों ने वो लड्डू खाया है उनका तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। ये तो ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। लाखों लड्डू राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी गए, ऐसा मुझे बताया गया है। तो ये तो घोर अपराध किया है उस आंध्र प्रदेश की सरकार ने, उस सरकार ने। और मैं चंद्रबाबू नायडू जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इसकी पोल खोल दी। और पूरे भारत के अंदर जहां जहां भी इस तरह के मंदिर हैं, मठ मंदिर हैं, जिनका संरक्षण, जिनका संचालन सरकार कर रही है, उनका सबका रिव्यू होना चाहिए। उनके जो बोर्ड में कोई भी नॉन हिंदू नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हिंदुओं की आस्था का ख्याल अब नॉन हिंदू नहीं रख पा रहे हैं और उनके साथ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। अभी तक तो हिंदू इतना उदार था कि हमें कोई कुछ दे दे हम उसको ग्रहण कर लेते थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और सनातन को भ्रष्ट करने की कॉन्स्पिरेसी है, सनातन को भ्रष्ट करने की कॉन्स्पिरेसी जिस सरकार ने की है, उस सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और उस सरकार को खींच करके हम कोर्ट में लाएंगे। ठीक है आचार्य, आप सरकार जो पूर्व सरकार है उससे सवाल भी पूछ रहे हैं, उनको जवाब देना भी होगा। माफी के साथ रुक रही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आचार्य विक्रम देते, आपका भी समय देने के लिए धन्यवाद। और देखिए इस पूरे मामले पर वाराणसी के संत बालक दास जी महाराज ने कहा कि सब कुछ जो हो रहा है ये सब कुछ सनातन विरोधी है। क्या कुछ कहा सुनिए आप। ये बहुत ही गंभीर है, चिंताजनक है, अफसोसजनक है। नायडू साहब ने जब कहा कि पिछली सरकार वाईएसआर कांग्रेस की सरकार के शासनकाल के दौरान तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ावे के लिए जो लड्डू बनता था वो जानवरों की चर्बी से बनता था, निसंदेह लज्जास्पद है। घृणा जितनी की जाए वो कम है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा नायडू साहब से भी, क्योंकि वो वहाँ के सीएम हैं, इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं, जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें। और आस्था से खिलवाड़ के बाद हिंदुओं में आक्रोश देखा जा रहा है, लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार उस प्रसाद को जो लोग पाना चाहते थे उसमें मछली का तेल और बीफ मिला हुआ है। अयोध्या के संतों का इस पर क्या कहना है, कितने आक्रोशित वो नजर आ रहे हैं, दिखाते आप। तिरुपति बालाजी में सब भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन की रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया। और उसके बाद 1,00,000 से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध, जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए, जो भी आरोपी पाए जाएँ, जो भी दोषी पाए जाएँ। इसमें कहीं कोई क्षमा की विधा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। इतने बड़े अपराध हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, महापाप है।
और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहे हैं। उनका कहना है कि प्रसाद में चर्बी मिलाया जाना पूरी तरह से गलत है, लोगों की आस्था से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में कमेटी का गठन करेगी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर कब से प्रसाद में जानवरों की चर्बी या मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था, और जब रिपोर्ट सामने आएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एनडीडीबी ने इस पूरे मामले में जांच की है, रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ कहा गया कि मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा कई और दूषित चीजों का इस्तेमाल प्रसाद बनाने के लिए किया गया है। और ये प्रसादम जिसको लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग भगवान के दर्शन के लिए, तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए वहां पहुंचते हैं, और एक दर्शन मात्र से लोग खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं, और जिन्हें प्रसाद मिलता है वो समझिए वो किस तरह से अपने आप को भाग्यशाली समझते होंगे। लेकिन इसमें इस तरह से चर्बी का इस्तेमाल कई सवाल खड़े करता है। तो देखिए, बार बार आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे तिरुपति के मंदिर में जो प्रसाद मिलता था उसमें फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया, उसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर लगातार सनातन विरोधी को एक स्वर देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि कौन है साजिश के पीछे, आखिर क्यों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे जो साधु संतों की नाराजगी दिख रही है वो एक तरफ, नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है, आपको सुनवाते हैं। बार बार इस प्रकार की चोट करते रहना अब हिंदू समाज को सहन नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद यह पुरजोर मांग करती है कि भगवान तिरुपति के मंदिर के प्रसाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं कि उसमें विभिन्न जानवरों का मांस सम्मिलित किया जाता था, यह बहुत ही घृणित कार्य है और असहनीय है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की एक पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और न सिर्फ इस प्रकार के घृणित और कुकृत्यों पर रोक लगनी चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति या अधिकारी इस प्रकार के निर्णय लेने और उनको क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए। और देखिए, जो मंदिर है सबसे धनी मंदिर कहा जाता है, और इसीलिए देखिए भक्तों के साथ कैसा धोखा हो रहा है। मंदिर की संपत्ति करीब 3 लाख करोड़ रुपए है, क्योंकि बहुत चढ़ावा आता है वहां पर। उसके बावजूद भी सस्ते घी का इस्तेमाल लड्डू बनाने के लिए किया गया। 8,496 करोड़ का 11.3 टन सोना बैंक में जमा है, क्योंकि चढ़ावा लगातार सोने का यहां पर चढ़ता है। 18,817 करोड़ रुपए कैश बैंक में जमा है, उसके बावजूद भी 350 रुपए का घी इस्तेमाल किया गया। हर साल करीब 650 करोड़ रुपए दान में जाते हैं मंदिर के लिए, उसके बावजूद इतनी बड़ी मिलावटखोरी, इतना बड़ा धोखा भक्तों के साथ यहां पर किया गया। तो देखिए, सबसे धनी मंदिर इसको कहा जाता है, लेकिन किस तरीके से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ यहां पर किया गया, आस्था पर आघात यहां पर किया गया। जो प्रसाद, जो भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद जो भक्त खुद पाते हैं, उसको खाते हैं, उसमें मांस यानी कि चर्बी मिलावट